फ्रेंड्स इस शानदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए तीन हरे बैगन जो कि है बड़े साइज के तो बड़े साइज के बैगन लिए हैं तो यहाँ पे हम इसे काट रहे हैं एक इंच मोटे टुकड़ों में कुछ इस तरह से काट रहे हैं इसे हम लंबाई में नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी फाके हो जाएगी फ्रेंड्स तो इस तरह से हमें इनके मोटे टुकड़ों में काटना है एक इंच के मोटे टुकड़ों को काटना है ना ही ज़्यादा मोटे होंगे ये ना ही ज़्यादा पतले तो कुछ इस तरह से हमने बैगन को काट लेना है और हमने इसी तरह से सारे बैगन को काट लेना है एक एक इंच की मोटाई पर तो यहाँ पे हमने सारे बैगन कट कर लिए फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मसालेदार बनने वाली है स्वाद में लाजवाब बनने वाली है तो यहाँ पे हमने ले लिए दो बड़े चम्मच ऑयल गरम करके और उसमें हमने डाल देना है बैगन के सारे टुकड़े जो हमने कट करके रखे हैं तो इसमें हम टुकड़े डाल लेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है लटते पलटते हुए अच्छी तरह से भून लेना है फ्रेंड्स ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए और स्वाद के लिए हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक ताकि हमारे बैगन है जो फीके ना रहे तो देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमारे जो बैगन है गोल्डन आ गए हैं इसमें कलर के साथ एक सोंधापन आ गया है भूंजने का फ्रेंड्स तो इस तरह से आप बैगन को पहले भूंज कर निकाल लें हमने फिर से दो बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है गर्म होने पर इसमें डाल दी है मेथी और मेथी के चटकने के बाद हमने इसमें डाल दी एक बड़ी प्याज वो हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक काट के डाल ली है चॉपर में चाहे आप नाइफ़ से भी काटें बट इसे काटे तो बारीक काटे यहाँ पे हमने ले लिए दो बड़े साइज के टमाटर एक इंच अदरक का टुकड़ा छील लिया जिसे मैंने और लिए सात कली लहसुन की तो इन तीनों चीज़ का हमें फाइन पेस्ट बना लेना है मिक्सर में डाल के यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी प्याज लाल हो चुकी है अच्छी तरह से भून चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो अभी हमने फ़्लेम को लो कर लिया है तो लो फ्लेम पर हमने डाली है लाल मिर्च उसके बाद हमने इसमें डाल देना है कलर के लिए हल्दी और हल्दी डालने के बाद इसमें हम डाल दे रहे हैं दो चम्मच धनिया पाउडर तो अगर आप गरम मसाला खाते हैं फ्रेंड्स तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने इसे नहीं डाला है गरम मसाला पाउडर मुझे ये बिना गरम मसाले के ही सब्जी बहुत पसंद है तो सूखे मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं एक मिनट बस भूनना है उसके बाद जो हमने टमाटो और अदरक और, और लहसुन की प्यूरी बना के रखी थी उसे डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है फ्रेंड्स तो मसालों को लो फ्लेम पर भूंजें ताकि वो जले ना और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी हम इसे ऑयल रिलीज, रिलीज होने तक पकने देंगे फ्रेंड्स तो इसके लिए हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक देंगे दो मिनट के लिए कवर करके और दो मिनट के बाद हमें इसे खोल कर देख लेना है ताकि हमारे मसाले जो चिपके ना और यहाँ पे देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ऊपर आ चुका है फूल कर मसाला इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन चुका है और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा तली में देखिए फ्रेंड्स तो इस स्टेज पर हमारा जो मसाला है वो भून कर तैयार हो गया है अब हम इसमें डाल रहे हैं जार में ही ले लिया मैंने एक गिलास पानी और फिर से हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स पहले भी हमने बैगन में नमक ऐड किया था तो अभी आप ध्यानपूर्वक नमक डालें इसमें दोबारा से और नमक डालने के बाद इसकी हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई इसमें हम डाल देंगे बैगन को तो फ्रेंड्स बैगन को हमने पहले सेवेंटी परसेंट कुक किया था उसे फ्राई किया था अभी हम इसे ग्रेवी के साथ थर्टी परसेंट और इसे पकाएंगे ताकि हमारे जो बैंगन है उसमें मसालों का स्वाद अच्छी तरह से रच बस जाए सारा टेस्ट जो मसालों का है वो बैगन में घुस जाए इसलिए अभी हम थर्टी परसेंट इसे मसालों के साथ ही पकाएंगे फ्रेंड्स और ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा शानदार बनती है टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है इसे हम ढक कर थर्टी परसेंट और कुक करेंगे और उसे पकाने में हमें सिर्फ पाँच से सात मिनट लगे हैं फ्रेंड्स तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो बैगन की सब्ज़ी है मसालेदार बन के तैयार हो गई है यहाँ पे हमारे बैगन है जो वो आपको दिख रहे होंगे खड़े खड़े और मसाले में लिपटे हुए तो इस तरह से सारा मसाला एब्जॉर्ब कर लिया हमारे बैगन में और ये रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गई है ऊपर से धनिया पत्ती डालकर इसे हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स तो चलिए फिर इसे सर्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने ले ली है एक छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई और इसे हम सर्व करेंगे फ्रेंड्स इसे आप राइस के साथ रोटी के साथ और या फिर आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये बैगन की सब्जी मसालेदार हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स रेसिपी के नीचे लाइक का बटन को ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स अगर आपने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स तो मेरी इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी आएगी फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा फॉलो ज़रूर करिएगा मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ को फ्रेंड्स तो देखना ना भूले मेरी नेक्स्ट रेसिपी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स